मैंने कहा था कि लोग कहते कि सर वो लोग जाग नहीं रहे, सुन नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि मत लो मत लो। पनीर पनीर का जो है मत लो, मगर लोग नहीं मान रहे हैं। तो मैंने तब कहा था, आप बता रहे हैं, आप मैं समझा रहा हूँ, आप समझा रहे हैं, मैं 2 साल से समझा रहा हूँ, आप 1 साल से जब टीका है तब समझा रहे होंगे, मैं 4 साल से, मैं 15 साल से बता रहा हूँ कि कोई टीके की जरूरत नहीं है, आवर बॉडी इज इम्यून टू एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने मेरे बच्ची को कोई टीका नहीं दिया है अब तक। तो आप बता रहे हो, समझा रहे हो, मगर वो चाहता है क्या? अगर वो चाहता है तो सामने वाले को वो समझेगा, अगर वो नहीं चाहता है कि सामने वाले को समझे तो कहाँ से समझेगा? तो इसीलिए वो चाहता है तो होता है, जैसे कहा गया है, ऊपर वाले की इच्छा के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है। आप समझे क्या? पेड़ का पत्ता हिलता है तभी हवा आती है, बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। तो उस तरह से पेड़ का पत्ता भी तब हिलता है जब ऊपर वाले की इच्छा हो। ये सारे धर्मों में लिखा है। गॉड अफेक्ट, एक्ट ऑफ गॉड, वो बाय गॉड मूवी है जो बताया था। तो इन चीजों को समझिए, जब तक आप फिफ्थ डायमेंशन को जा नहीं पाओगे, जब फिफ्थ डायमेंशन में आप ट्रैवल ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड, जब आप वहां पे आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, फिर वो फिफ्थ डायमेंशन जो है वो आपको अलग अलग प्लेन में लेके जाएगा, प्लेन से नहीं डायमेंशंस में, जहाँ पे आपको अलग अलग जो है एक्सपीरियंस आएंगे, जिसमें आपको अगर आप भगवान मानते हो, अगर आप शैतान मानते हो, तो आपको नरक भी मानना पड़ेगा, आपको पाताल भी मानना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी मानना पड़ेगा, आपको नागलोक भी मानना पड़ेगा, आपको देवलोक भी मानना पड़ेगा, आपको भूलोक, ये सारी मानना पड़ेगा। ये सब पोर्टल्स, ये सब डायमेंशन जो है, जो कि वहाँ पे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आते हैं, ये मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं आते हैं, ये डायमेंशंस फॉर्म में आते हैं। तो वो आपको दिखाता है, फिफ्थ डायमेंशन ये आपको दिखाता है, जब आप उसमें पूरी तरह से देख लेते हो, समझ लेते हो, भोग लेते हो, तब आपका फिर आता है सिक्स डायमेंशन में जाने का वक्त। आप कितना भी प्रयास कर लो, मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है, सिक्स डायमेंशन आपको उस तरह से नहीं दिखता है, जब तक आपको फिफ्थ डायमेंशन पूरी तरह से वहां पे आपको उसका जो है वो प्लेन्स, फिर वो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल हो, एलियंस हो, पृथ्वी हो, अंडर द सी हो, अबाउट द स्काई हो, ये सब वो दिखाता है। मानिए, सच मानिए, आप देखोगे, अगर जाओगे प्रैक्टिस करोगे, और ये आसान नहीं है। किसी को पकड़ के कान को लेके गया, हाथ को पकड़ के लेके गया, ये देख ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। ये सोलली होली डिपेंड ऑन योर मॉरल ऑफ द सोल, आप कितनी प्योर रखे हैं और कितना आप प्रयास कर रहे हो। आप बोल, यहाँ हो गया 10 मिनट, हो गया, मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं करना है, प्रैक्टिस लगती है भाई साहब। आप किसी भी प्लेयर को देखिए, रोनाल्डो को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, कोहली को देखिए, धोनी को देखिए, एक दिन में नहीं बने हैं, प्रैक्टिस की उन्होंने उम्र के 10-12 साल से, प्रैक्टिस करते 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 फिर जाके आज तक यहाँ पे पहुंचे। कोई भी लीजिए, कोई भी सिंगर होगा, एक दिन में आया और गाना गा के, किशोर कुमार या लता मंगेशकर नहीं बनते, वो प्रयास लगता है, उनका डेडिकेशन लगता है। तो ये भी जो चीज़ है, इसमें जाना, उस थर्ड डायमेंशन को ब्रेक करके फोर्थ डायमेंशन में जब ट्रैवल करना चालू करते हो, तो घबराहट होती है, पसीना छूटता है। एक्सपीरियंस में बाद में कमेंट सेक्शन खोलूंगा, तब कमेंट कीजिए। अभी मैंने कमेंट सेक्शन बंद रखा हुआ है, मैं किसी के भी कॉमेंट देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसी ने नहीं किया आज तक। मुझे आज तक बताइए कि कौन है कि जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि कोई बताता नहीं है। मैं आज क्यों बताने लगा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को थोड़ा भाई, मैं पहले दिन आके बताता था तो लोग बोलते थे ये बावला है, इसको क्या लेना देना है, इसको क्या समझता है, डॉक्टर है ये होम पे नहीं छोड़ के और बात कर रहा है। इसलिए जब ये सब चीज़ें हुई, ये टीका, ये 5G, ये GMO, ये लॉकडाउन वगैरह, ये मास्क, ये हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब हुए, जब मैंने जो बोला था आपको ऐसे थे, जब आपको यकीन आया कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, तब फिर जाके मैं आपको एंड में इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी का असल सच है। आप जिंदगी में यहाँ पे जन्म लिया है, ये सिर्फ पैदा होकर मरने के लिए नहीं है,
इस बीच में आपको आपके जीवन के मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। व्हाट इज अ लाइफ? लाइफ इज नथिंग फ्रॉम बर्थ टू ट्रैवल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये मेरा अभी मेरा ट्विटर मेरे व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस है। तो ये जो बर्थ जर्नी है ना, ये है आपका थर्ड डायमेंशन, और जो बर्थ लेके मौत आने वाली है वो है फोर्थ डायमेंशन। और इस फोर्थ डायमेंशन के बीच में आपको अगर आज अवेकनिंग हो जाती है, अवेकनिंग ऑफ सोल कहा जाता है, ये हो जाती है, तब आप अहम ब्रह्मासि, आपका जो डीएनए है उस डीएनए का जब आप क्रोमोसोमल निकालोगे और जब उसका चेन देखोगे, तो उस चेन में जो इस छोर से लेके इस छोर तक जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये दिखता है गोल राउंड, ऐसी सेम वो बड़ा गोल राउंड रहता है जिससे अटैच होता है, और इसकी जो नली रहती है ये सेम इसी तरह से है, और सेम इस तरह से ये साइड भी आता है गोल राउंड, तब आपका एक वो डीएनए का एक जो है चेन वो बनती है। और ये डीएनए की चेन जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है राउंड एंड देन सिलिंड्रिकल, ये सेम आप देखोगे भगवान विष्णु के शिव के पिंड जैसा है। तो ये एनर्जी सोर्स जो अहम ब्रह्मासि, तो जो ब्रह्म है, जो शिव है, जो ओमकार है, जब सेवंथ डायमेंशन बात करूंगा मैं, तब मैं बात करूंगा उसके बारे में, मगर अभी मैं आपको इसकी हिंट दे रहा हूँ सेवन डायमेंशन की, जो वो है एनर्जी सोर्स, आप उसको कोई भी नाम दीजिए, आप उसको भगवान बोलिए, उसको अल्लाह बोलिए, उसको जीसस बोलिए, उसको भगवान बुद्ध बोलिए, भगवान महावीर बोलिए, कुछ भी बोलिए, गुरु नानक बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो जो है वो एनर्जी सोर्स जो है वो देता है एनर्जी। उस एनर्जी से आप फिफ्थ डायमेंशन में जब जाते हो और फिफ्थ डायमेंशन में जब ट्रैवल करते हो, आपको सब पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है दुनिया भर की, कॉस्मिक की। शब्द याद रखिए, लिख के रखिए, फिफ्थ डायमेंशन ये आपका टाइम स्पेस जो है इंटर डायमेंशन ट्रैवल करना है। सिक्स डायमेंशन जो है वो आपको शंभाला जो है, सिक्स डायमेंशन जहाँ पे आपको एक्चुअल में जिसे कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति, इस आत्मा सोल को प्यूरिफाई करना, जो आप जाते हो भगवान केदारनाथ के पास, उस गुफा में जाते हो, क्या है वो गुफा? वो गुफा आखिर में शंकर भगवान की पिंड है और एनर्जी सोर्स है। आप वहाँ पे जाते हो इसीलिए तो जाते हो, आप मक्का मदीना जाते हो, आप अमेरिका में जो है वो ज्यूइश टेंपल जो है वहाँ पर, वहाँ की जो चर्च जहाँ पे जीसस को आखिरी सफ़र जो था उनका मौत हुई थी, ये सारी चीज़ें उनके रीजन से आप देखिए नॉर्थ में है, केदारनाथ नॉर्थ में है, मक्का मदीना नॉर्थ ईस्ट में है, अमेरिका के हिसाब से इसराइल जो है वो नॉर्थ में ऊपर आता है। तो एवरी पर्सन का जो भगवान है वो नॉर्थ में है। नॉर्थ इज अ एनर्जी सोर्स ऑफ एवरी बींग, तो इसलिए उन्होंने हिडन मैसेज दिया था। आपका कौन सा वो सीरियल थी, अमेरिका एक सीरियल थी जिसमें किंग इन नॉर्थ कहते थे, वो किंग इन नॉर्थ, किंग इन नॉर्थ, तो इसलिए वो किंग जो जो भी एनर्जी है, जो भी है वो हर किसी का जो है वो नॉर्थ में है, ठीक है, दैट इज अलग डिफरेंस। तो शंबाला का अभी आपको बताता हूँ, सिक्स डायमेंशन मेंटल नेचुरल बेस है और ये आइडिया है। फर्स्ट सिक्स डायमेंशन के लिए मैनिफेस्ट देखने के लिए आपको एस्ट्रल प्लेन में जाना पड़ेगा, यानी आपको फोर्थ डायमेंशन में जाने पड़ेगा। ये फिजिकली जो है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एस्ट्रल प्लेन में जाना पड़ेगा। एस्ट्रल प्लेन यानी कोई प्लेन नहीं है, ये डायमेंशन है, तो इस डायमेंशन में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा, आपको आपकी एनर्जी, आपके सोल्स, आपकी इसको फ्री करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल करके रखते हो, नहीं मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप उस डायमेंशन में, आपको वहाँ पर जाना है
तो लेट इट गो, आपको जो भी है, आपका जो राग द्वेष मत्सर क्रोध एंगर, इन चीज़ों को लेट इट गो करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को पकड़ के रखोगे, आप उस डायमेंशन में नहीं जा पाओगे। बस इसी बात पे ये सारा प्रवचन चलते रहता है ये सारे साधु संतों का, वो आपको लेट इट गो करते रहते हैं। आप लोगों कुछ घंटा समझता नहीं है, आप इस बात को समझिए। आपको एस्ट्रल प्लेन में जाना है, फोर्थ डायमेंशन को जाना है, तो आपको लेट इट गो करना पड़ेगा। ये जो सारे संत हैं, कोई भी आप संत लो, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत मीराबाई, संत चोका कुंभार, या फिर गुरु नानक जी, कोई भी लीजिए आप संत, सब ने एक ही ट्राई किया है, भाई लेट इट गो। आप इस चीज को पकड़ के रखेंगे, उसमें होता कुछ नहीं है। तो इसी के लिए आपको जब उस फोर्थ डायमेंशन में जाना है, यू हैव टू लेट इट गो। फिर जब एस्ट्रल प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग शेप्स लेते हैं, वो डायमेंशन जो है अलग अलग स्पेस शेप लेते हैं थ्रू दैट सेक्रेट ज्योमेट्री। वो जो है हिडन नॉलेज, इसको हिडन नॉलेज कहा जाता है। तो हिडन नॉलेज में सेक्रेट शेप लेते हैं। ये सब कुछ प्लेन जो है ये कॉम्बिनेशन है प्लेटोनिक सॉलिड फाइव शेप्स के, अर्थ भूमि वायु जल अग्नि आकाश। ये जो पांच तत्व है, यही पांच तत्व हमें बनाते हैं, यही पांच तत्व से मैं बना हूँ, यही पांच तत्व से आप ता बिल्ली ये सब कुछ जो है इन्हीं पांच तत्वों से बना है। यही पांच तत्व जो है शेप्स लेते हैं और ये अलग अलग वेवलेंथ में, मैंने कहा था एवरीथिंग इज फ्रिक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ में ये वाइब्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है अलग अलग इस फॉर्म में और अटैच करके रखा है इन सबको एक साथ, इसीलिए ये हमें दिखते हैं। और ये जब डायमेंशन में जाते हैं, आप फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं, तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग फॉर्म में रिजोनेट करते हैं। इसीलिए आपको एट अ टाइम जो डर लगता है, क्योंकि आप उस प्लेन में से जाते हो, उस डायमेंशन से जाते हो, तो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखती है, जिसलिए आपको डर लगता है, क्योंकि आप ना पाताल, आप नरक, आप भूलोक, आप अलग अलग लोकों से डायमेंशन से जा रहे हो और वो चीज़ें दिखती है आपको, क्योंकि जब तक आप ये सारी डायमेंशन नहीं देखोगे तब तक आप शंभाला के पास नहीं जा पाओगे, जो मुक्ति धाम। और वो लोकेटेड कहाँ है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, वो नेपाल और कैलाश टेम्पल के बीच में कहीं तो भी है। तो इसलिए ये चीज़ों को आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, जब देखोगे तो आपको सर्च करना है। आपको जब फिफ्थ डायमेंशन आप कंप्लीटली कर लोगे, जब कंप्लीट करोगे फिफ्थ डायमेंशन, वो आसान नहीं है, मैंने कहा है आपको, हमको साल साल दो दो साल ढाई ढाई साल लगे इस चीज़ों को करने के लिए। और इस चीज़ों का मैं कभी बात नहीं करता हूँ इन चीज़ों पे, मेरे दोस्तों को या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल को भी इसके बारे में नहीं पता है, मेरे घर वालों को भी मैंने कभी इसके बारे में नहीं बताया है। तो आज ऐसे सब्जेक्ट निकला, उस टाइम किसी ने तो भी पूछ लिया किस कैसे, तो भी तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैं बोलूँगा डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन के बारे में चालू किया। तभी से मेरा इन्होंने फेसबुक और ट्विटर हैंडल दोनों ब्लॉक कर दिए, ये नहीं चाहते ये डायमेंशन के बारे में आपको पता चले। तो ये पांच चीज़ों का जो शेप्स है वो रेजोनेट करता है। प्लैटोनिक सॉलिड जो है एलिमेंट्री एनर्जी पे हाई प्लेन है, ये हायर एनर्जी सोर्सेस है, ये कॉमन, जिसकी एनर्जी वीक है, जो एनर्जी फॉर्म में जो ये नहीं है, ताकतवर नहीं है, जो कमज़ोर है, विल पावर जिसकी कमज़ोर है, वो इस प्लेन तक नहीं जा पाएंगे। जो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। कितना भी घिस लो, पटक लो, अपट लो, नहीं जा पाओगे। तो फिफ्थ डायमेंशन में से आप जब जाओगे अलग अलग प्लेन्स में से, तब आपको सिक्स डायमेंशन पे जाते जाते ये अलग अलग फॉर्म्स आएंगे। जिस तरह से कल के मैडम ने कहा था कि वहाँ पे अगर जाना है तो नागा साधुओं को 27 दिन तक प्योर कड़क तपस्या करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको उस सारे डायमेंशन से निकलना पड़ता है, जो भी है सब एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। आपकी बॉडी का जो भी एक एक डर है, एक एक एंजाइटी है, एक एक फियर फैक्टर है, उसको सबको निकालना पड़ता है, फिर आप ट्रैवल कर पाते हो उस एस्ट्रल प्लेन जहाँ पे पांच तत्वों से बनी हुई वो ज्योमेट्रिकल चीज़ है, जो आपको
विजिबल आंखों से नहीं दिखती, जब उसका लोकेशन पता चलता है तब आप जब वहां पर जाते हो उसके लिए आपको सारे की सारी कुंडलिनियां जागरूक करनी पड़ती है, आपके साथ मूलाधार चक्र जो है उसको जागरूक करना पड़ता है। हर चक्र जब जागरूक होता है तब बॉडी में वाइब्रेशन आता है, जिस तरह से आप गाड़ी का गियर चेंज करते हो, फर्स्ट गियर डालते हो और जब क्लच दबा के सेकंड, क्लच दबा के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आते हो, तो हर बार जब आप गियर चेंज करते हो तब आपके बॉडी गाड़ी थोड़ी सी जर्क मारती है। उसी तरह से जब आपका एक चक्र, जब आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आपका जब एक चक्र जागृत होता है तो जर्क बैठता है। जब आप कंटिन्यूएशन मेडिटेशन में रहोगे कुछ पीरियड बाद तो ऐसा होता है कि आप बस आँख बंद कर लिए कि आपके चक्र मूलाधार जागृत हो जाते हैं और विद इन 2-1 or 2 minutes आप, तो ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही, जब करेंगे आप तब आपको मेरी इन बातों का महत्व समझेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको इस बातों का महत्व नहीं समझेगा, उसको समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपके थाली में प्लेट पोहे रखे और बताओ कैसे है, तो बिना खाए जैसे आप बता नहीं सकते हो कि खारे है, गर्म है, ठंडे हो गए, उस तरह से आपको एक्सपीरियंस किए बगैर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा।